वेलकम स्टूडेंट, आप लाइट मैथ सेकेंड चैप्टर आपका दूसरा चल रहा था, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में आपको इसके 17 नंबर तक बता दिए गए थे, मतलब जो अगला लेक्चर हुआ था इससे पहले वाले में आपको 17 नंबर तक के क्वेश्चन करा दिए गए थे। आज 18वें नंबर से हम लोग चलेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, जिससे कि आज हो सकता है 30 नंबर तक क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं टाइम नंबर बात करते हुए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है समाकलन दे रखा है और साइन 2x दे रखा है, बटे में कह रहा है a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स दे रखा है। ठीक है, इसी के बगल में हम क्वेश्चन नंबर 19 को भी लिखे ले रहे हैं। 18 था और क्वेश्चन नंबर 19 भी लिखे रहे, दो दो क्वेश्चन एक साथ लिखे ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है समाकलन दे रखा है, एक्स दे रखा है और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दे रखा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम 18 को देखते हैं, 18 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि समाकलन दे रखा है, समाकलन साइन 2x अपान a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, इसमें क्या मानेंगे, लेट मान लेंगे क्या a cos स्क्वायर x प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स बराबर टी मान लेंगे। ठीक है, बराबर जब हम इसको टी मान लेंगे फिर इसका एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2a, ये क्या बन जाएगा कॉस एक्स के सापेक्ष करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा इंटू पे साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा 2b, ये क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये कोष्टक पे बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, अगर हम a को इधर करें और 2 को इधर करें तो ये हमारा एक फार्मूला बनता है। ठीक है, ये हमारा क्या बनता है, एक फार्मूला। इसी प्रकार हम b को इधर कर दें, 2 इधर जोड़ दें तो ये भी हमारा एक फार्मूला बनता है। ठीक है, तो देखिए वो फार्मूला क्या बनता है हमारा, ये फार्मूला हमारा बन जाएगा साइन 2x का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2x कोष्ट में क्या हो जाएगा b माइनस a, क्या आ जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा। तो हम क्या करें, इससे साइन 2x dx बराबर निकाल लें तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन b माइनस a dt हो जाएगा। इतना तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बस अब करना क्या है, यहां पे उठा के अपना मान रख देना और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलिए समाकलन, अब देखिए हमारे पास साइन 2x dx बराबर 1 अपॉन b माइनस a dt दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम इसको बाहर निकाल लें, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, फिर समाकलन और डी टी यहाँ लिख देते हैं, भाई चलिए डी टी लिख दे रहे हैं, फिर हमारे पास क्या बच रहा है, इसका मान हमारे पास बच रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी के रूप में हो जाएगा, काय के रूप में हो जाएगा 1 अपॉन टी के रूप में हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन टी हो जाएगा। और सबको पता है कि समाकलन 1 अपॉन एक्स बराबर क्या होता है, समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर होता है लॉग एक्स होता है, तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन बी माइनस ए लॉग, ये हमारे पास टी हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट हमारे पास क्या लग जाएगा, सी लग जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट हमारे पास सी लग गया। अब देखिए हमने टी बराबर माना हुआ था ना, टी बराबर हमारे पास ये मान के रखा हुआ था, तो हम इसी जगह रख देते हैं,
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वन अपॉन बी माइनस ए लॉग, लॉग हो गया। माना क्या था हमारे पास टी बराबर, क्या माना था, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स और प्लस सी, जो ये हमारा निकल के आया है लास्ट में स्टेप, यही हमारा क्या होगा फाइनल इसका आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। या तो आप लोग आंसर मिला लीजिए, या कुछ और दे रहा हो तो आप लोग और उसको प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे हिसाब से फाइनल आंसर यही है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब देखिए क्या दे रखा है, समाकलन एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, समाकलन एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या है, लेट मानते हुए चलते हैं। लेट क्या मान ले, हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेते हैं। ठीक है, हम एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टू एक्स डीएक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डीटी हो जाएगा। टू एक्स डीएक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, डीटी हो जाएगा। हमको अगर देखिए इसका तो हमारे पास निकल आएगा, अगर इसका भी मान हम निकाल ले तो हमारा जो फलन दे रखा है वो अच्छी तरह से आ जाएगा, उसको हम प्रूव अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमको चाहिए क्या, एक्स डीएक्स बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू डीटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको एक्स डीएक्स का भी मान मिल गया और एक्स स्क्वायर का भी मान मिल गया। अब हम उसको इस चीज को उठा के अपने फलन पे रख सकते हैं। देखिए दो चीज हमको चाहिए थी, एक तो ये हमको मिल गया, दूसरा हमको ये मिल गया। ठीक है, बस अब करना क्या है, इसी चीजों को उठा के हमको समाकलन के रूप में रख लेना है। तो चलिए हम लोग इसको रख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा समाकलन। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, डी टी आया है तो हम वन अपॉन टू को सीधे यहाँ बाहर निकाल लें। ठीक है, वन अपॉन टू को बाहर निकाल लेंगे तो एक मुसीबत हमारी दूर हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी, क्योंकि हमने माना है ना एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो ये माइनस माइनस टी हो गया और क्या आ गया, डी टी आ गया। ठीक है, इतना होने के बाद अब हमको सिर्फ उसका समाकलन करना है। और देखिए हमको पता है कि ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, और इसका अवकलन भी अगर हम करना चाहें ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, होता है, तो चलिए इसका हम समाकलन कर ले, तो ये आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन टू। ठीक है, वन अपॉन टू हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसका करेंगे तो ये तो हो जाएगा e की पावर माइनस t, और माइनस अपॉन माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे एक माइन इंटू माइनस वन आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। या तो यहां ना लिखे तो सीधे माइनस उठा के हम यहां लगा सकते हैं कि माइनस का वन बाई टू ई की पावर माइनस t हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने ये माना था ना t, t बराबर क्या था, t बराबर हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो हम उठा के यहां पे रख सकते हैं, तो ये हमारे पास माइनस का वन अपॉन टू आ गया, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का सी आ गया, और यही जो आया हमारा आंसर आया। ठीक है, यही जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम लोगों ने 18वां क्वेश्चन लगाया, हम लोगों ने 19वां लगाया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ। ठीक है, 20वां नंबर, 20वां क्वेश्चन नंबर 20वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां चले। देखिए आप लोग क्वेश्चन में लाते रहिएगा, हो सकता है कि आप लोगों में आगे पीछे क्वेश्चन दिया हो तो आप लोग मिला के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए क्या कह रहा है। 18 19 हो गए, क्वेश्चन नंबर 20वां है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 20वां आपका कह रहा है समाकलन दे रखा है, ई की पावर एक्स दे रखा है, और दे रखा है साइन ई की पावर एक्स दे रखा है, और डीएक्स दे रखा है। 20वां 21वां भी यही हम लिखे लिए चल रहे हैं, क्योंकि बार बार उसका टेंशन लेने की झंझट न लो। ठीक है, ये दे रहा समाकलन, दे रहा वन अपॉन रूट एक्स दे रहा है,
और ये दे रहा है कॉस रूट एक्स और डी एक्स दे रहा है, ठीक है। अब देखिए दोनों क्वेश्चन लगे हैं आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो अब हम लोग चलेंगे क्या सोल्यूशन की तरफ सीधे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 20वें की तरफ चलें, तो जब हम 20वां करेंगे तो इस पे हम लोग को देख रहे हैं e की पावर x भी दे रखा है, साइन e की पावर x दे रखा है, तो हमको करना क्या है, सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ चले, तो हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। मानेंगे लेट e की पावर x बराबर t मान लेंगे, ठीक है। e की पावर x बराबर हमने मान लिया t, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ये e की पावर x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। हमने बताया था चाहे इसका हम समाकलन करें e की पावर x का, चाहे अवकलन करें, उसका मान हमारा वही रहता है, ठीक है, उसका मान हमारा वही रहता है। तो अब देखिए e की पावर x भी मिल गया, e की पावर x dx भी मिल गया। अब हम उठा के मान रख लेते हैं यहाँ पे, चलते हैं इसको सॉल्व करते हुए, तो ये हमारे पास समाकलन आ गया, तो ये हमारे पास समाकलन आ गया। अब देखिए e की पावर x dx हमारे पास dt है, और ये आ गया हमारे पास साइन, ये t आ गया और dt आ गया, साइन t हो गया और हमारे पास dt हो गया। अब इसका हमको सिर्फ समाकलन करना है, तो हम लोगों को पता है कि जब इस साइन t का समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस होता है, तो हम लोग कर लेते हैं तुरंत, ये आ जाएगा माइनस का कॉस t प्लस सी। अब देखिए t बराबर हम लोग माने हुए थे, तो वो मान उठा के रख लेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का कॉस t, हमने माना था e की पावर x, तो e की पावर x प्लस सी हो जाएगा, और यही जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग आंसर अपना मिलाते रहिएगा, ये काम तुम्हारा है, हमारा काम हल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां तो हल हो गया, 21वें की तरफ चलें, ठीक है। देखिए 21वां क्या कह रहा है, कह रहा है वन अपॉन रूट एक्स समाकलन, वन अपॉन रूट एक्स कॉस रूट एक्स डीएक्स, ठीक है, कॉस रूट एक्स डीएक्स। अब इसमें सबसे बड़ी बात मान के क्या चले, हम क्या मान के चले जिससे हम इसको हल कर लें, तो घबराने की बात नहीं है, मानना भी बड़ा आसान है, क्या माने सोल्यूशन की तरफ अगर हम निगाह दें, तो हम मान लेते हैं लेट रूट एक्स बराबर हमने मान लिया टी मान लिया, ठीक है। रूट एक्स बराबर हम लोगों ने क्या माना, रूट एक्स बराबर हम लोगों ने टी मान लिया, ठीक है। इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो देखिए ये आ जाएगा वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा, ठीक है, डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो हमको चाहिए वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स बराबर टू डी टी, ठीक है। तो हमको दो मान चाहिए थे, दो मान हमको मिल गया, एक हमको ये मिल गया और दूसरा हमको क्या मान मिल गया, दूसरा हमको वन अपॉन रूट एक्स का भी मान मिल गया, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे कर दिया, आप रटे हुए हैं क्या, तो बेटा हम रटे हुए नहीं है, देखिए इस तरफ आइए साइड में, रूट एक्स क्या बोल रहा है, रूट एक्स अवकलन करना है, ठीक है, मतलब डी अपॉन डी एक्स निकालना है रूट एक्स का, और हम इसको एक्स की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, ठीक है, एन हमारे पास 1/2, ठीक है, एक्स की पावर हमारे पास 1/2 दे रखा है, 1/2 माइनस वन, इसका मतलब 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 आ गया, ठीक है, माइनस 1/2 आ गया है। तो अब हमने यहाँ पे किया गया है, एक्स को हम नीचे ले आए तो ये 1/2 हो गया है, इसको जब नीचे लाए हैं तो ये हो गया 1/2 एक्स की पावर 1/2, और 1/x की पावर 1/2 को हम रूट एक्स लिख सकते हैं, तो बेटा देखो वही तो लिखा है, ये लिखा है ना, वही लिखा है, कोई अलग से नहीं, ये इधर है आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका जो माना था निकल के आ गया, अब करना क्या, सिर्फ हमको मान रखना है, तो चलिए हम लोग मान भी रख लेते हैं। तो हम देखिए ये 2dt है, दो को हमने बाहर कर लिया, समाकलन लगा लिया, ठीक है।
अब देखिए रूट एक्स बराबर हमने टी माना था और इसका मान हमारे पास टू डी टी आया, टू को इधर कर दिया, डी टी को हम बेटा लो अच्छा यहाँ हम डी टी लिखे दे रहे हैं, ये डी टी आ गया, टू टू को बाहर कर दिया। अब देखिए बचा क्या हमारे पास, कॉस रूट एक्स हमने टी माना था तो ये हमारे पास टी आ गया, आ गया। अब सिर्फ हमको करना क्या है, समाकलन करना है, ठीक है, समाकलन ही तो करना है। अब समाकलन हमको पता है कि कॉस टी का क्या होता है, साइन टी होता है, तो इसका समाकलन कर लेंगे, टू साइन टी प्लस सी हो जाए, सी हो जाएगा। अब टी हम लोग मान गया है रूट एक्स, तो हम उसको भी उठा कर रख दें, तो टू साइन रूट एक्स प्लस सी हो जाएगा, और जो ये आया है यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है समाकलन दे रखा है, ए की पावर एक्स दे रखा है प्लस ई की पावर माइनस एक्स दे रखा है, फिर ई की पावर एक्स दे रखा है माइनस ई की पावर माइनस एक्स दे रखा है और डी एक्स दे रखा है, ठीक है, ई की पावर एक्स दे रखा है, ये दे रखा है, तो अब इसको हम लोग सोल्यूशन कर लिया जाए, ठीक है, इसको हम लोग सोल्यूशन कर ले। तो अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर ये कुछ दिख रहा है आपको, ये कुछ आपको दिख रहा है ना, किस फॉर्म पे दिख रहा है, ये क्या फार्मूला दिख रहा है, देखो फार्मूला क्या दिख रहा है आपको हम बताएं, ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में दिख रहा है, तो हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो इसको हम लोग तुरंत आए करते क्या है, समाकलन हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स, क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। बस अब करना है क्या, इसका समाकलन करना है, e की पावर टू एक्स डी एक्स माइनस समाकलन e की पावर माइनस टू एक्स डी एक्स, इसका समाकलन कर ले तो इसका हो जाएगा e की पावर टू एक्स अपॉन टू माइनस, ये हो जाएगा e की पावर माइनस टू एक्स अपॉन टू हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा, यही अपना आंसर आ जाएगा, और क्या है, इसके अलावा कुछ तो लिखना नहीं है, बस यही आपका आंसर होगा, आप लोग आंसर मिला लीजिए, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या तो ज्यादा आपको करना है तो देखिए आप एक चीज और बता दें, इससे 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा ई की पावर टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स और प्लस सी, या तो ये आंसर आ जाएगा, या तो ये दिए होगा, या तो ये दिए होगा, दो में एक कोई आंसर आपका दिया होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है समाकलन दे रखा है e की पावर tan इनवर्स x दे रखा है बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx दे रखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर और dx आपका दे रखा है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, तो सॉल्यूशन की तरफ चलें। तो इस पे हम लोग कुछ मानते हुए चलते हैं, चलिए ऐसा मान लिया जाए कि ऊपर नीचे बराबर हो जाए, तो टेन इनवर्स एक्स बराबर टी हम लोग मान के चलते हैं, लेट टेन इनवर्स एक्स बराबर हमारे पास हो गया टी, इसका हम क्या करेंगे अवकलन कर लेंगे, देखिए जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास
टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर क्या हो जाएगा डीटी हो जाएगा, हो जाएगा आराम से हो गया। बस अब कुछ करना नहीं, ना इधर उधर कुछ नहीं भेजना, इतना हो गया क्योंकि इसके बराबर ये हो जाएगा, ये मान इसका आ जाएगा वन अपान पे, अपना क्वेश्चन पूरा हल हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, सिर्फ हम लोग मान रख के हल कर लेना है। तो ये हमारे पास समाकलन आ गया। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स बराबर टी माना है, तो ये हमारे पास आ गया ई की पावर टी और क्या आ गया डी टी, ठीक है, क्योंकि वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी हमारे पास है, तो हमने उसकी जगह इसको रख दिया है। बस आपको करना क्या है, इसका समाकलन कर देना है। तो देखिए जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर t और प्लस c, e की पावर t और प्लस क्या हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। बस आपको अब t का मान रख देना है, तो e की पावर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x और प्लस c हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है समाकलन दिया हुआ है, समाकलन दे रखा है और कह रहा है कॉस, कॉस दे रखा है ए प्लस बी लॉग एक्स, लॉग एक्स अपॉन दे रखा है एक्स और दे रखा है डी एक्स, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लें। तो सोल्यूशन की तरफ चले, तो हम लोग सबसे पहले लेट करके चलते हैं, लेट माना a प्लस बी log x बराबर टी, इसको हमने मान लिया है, ठीक है। तो देखिए जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये b अपॉन x dx बराबर क्या आ जाएगा dt, ठीक है। अब हमको मान अगर ऐसा मिल जाए कि अगर हम b को इधर कर दें, अगर b को हम इधर भेज दें, तो हमें x dx का मान हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा dx अपॉन x बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन b dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx बराबर 1 अपॉन b dt हमारे पास है। बस अब सारे मान उठा के हमको रख देने हैं, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, मान ही तो रखने हैं, मान रख के आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो बराबर 1 अपॉन b को हम बाहर की ले रहे हैं, समाकलन लगाए दे रहे हैं, और cos cos ax + b log बराबर क्या माना है t माना है, तो t हो गया, ये हमारे पास dt आ गया। इसका समाकलन कर लेंगे तो ये 1 अपॉन b हो जाएगा, ये हो जाएगा sin t हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। t का मान उठा के हम रख लेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन b sin, sin हो जाएगा, t का मान हमारे पास क्या दे रखा है a प्लस b log x प्लस c दे रखा है, जो ये आया यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। आज कुल मिला के आपका चैप्टर हम यहां से खत्म करके ही जाएंगे, ठीक है, आपका क्वेश्चन हम यहां से खत्म करके जाएंगे, और जब खत्म हो जाएगा तो अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है समाकलन दे रखा है 1 अपॉन x 1 प्लस log x और dx दे रखा है, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए,
तो सॉल्यूशन की तरफ चलें, ठीक है। सॉल्यूशन तो आपके पास क्वेश्चन ये रखा है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट, ठीक है। लेट क्या मानेंगे, वन प्लस लॉग एक्स बराबर हम लोगों ने टी मान लिया, वन प्लस लॉग एक्स बराबर हम लोगों ने टी मान लिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। बस इतना ही हमको मान के चलना, और ज्यादा कुछ नहीं हमको करना है, इतने से ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये समाकलन हो गया, ये हमारे पास आ गया वन अपॉन टी आ गया और डी टी आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर हमारे पास डी टी है, और वन प्लस लॉग एक्स बराबर हमने टी मान लिया, तो वन अपॉन हमारे पास क्या आ गया है, वन अपॉन टी आ गया है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये हमारा इसका समाकलन करेंगे तो लॉग पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं, इसका जब समाकलन करेंगे ये हो जाएगा लॉग टी प्लस सी हो जाएगा, और हमें पता है टी बराबर हम लोगों ने माना था, तो ये हो जाएगा लॉग वन प्लस लॉग एक्स माना था क्या, वन प्लस लॉग एक्स माना था, टी का मान रखना है ना, टी का मान अगर रखेंगे वन प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो टी का मान जो माना था वही रखो फिर, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा, और आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, यही आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हमारे हिसाब से तो आंसर यही होना चाहिए और यही आंसर होगा भी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए लिखे दे रहे, दोनों क्वेश्चन एक साथ ही लिखे दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है समाकलन कह रहा है, और P प्लस क्यू टैन इनवर्स X की होल पावर ये M अपॉन कह रहा है वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और साथ में ये क्या है dx है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है समाकलन है tan x इंटू sec स्क्वायर x अंडर रूट वन माइनस tan स्क्वायर x dx, ठीक है। बस इन दोनों क्वेश्चनों से आपका लास्ट है, और ये दोनों क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपका 2.1 भी लास्ट है, ठीक है। इसके बाद 3.1 के फार्मूले जो होंगे फार्मूले या टाइप जो होंगे टाइप, नहीं तो सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है, जो भी होगा कल की क्लास में देखा जाएगा। चलिए इसमें भी करें क्या, जल्दी जल्दी हल कर लिया जाए, सोल्यूशन की तरफ चला जाए। तो हम लोग तुरंत आए मानेंगे लेट पी प्लस क्यू टैन इनवर्स एक्स बराबर टी मान लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा क्यू अपॉन एक्स सापेक्ष अवकलन कर दें क्यू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर ये हमारे पास डी टी हो जाएगा। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जब ये गुणा में है नीचे कायम जाएगा भाग में चला जाएगा, तो वन अपॉन क्यू ये हमारे पास हो जाएगा डी टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब कुछ मिल गया है, बस अब करना क्या है, हमको हल करना है। वन अपॉन क्यू को मैंने बेटा बाहर निकाल लिया, समाकलन लगा दिया, इसकी जगह हमने माना है टी, तो ये टी की पावर क्या आ गया, एम आ गया, और क्या आ गया, डी टी आ गया, ठीक है। अब इसका हम लोग समाकलन कर लेंगे। इसका फार्मूला तो सबको पता है ना क्या होता है, इसका फार्मूला पता है ना, बस उसी हिसाब से हमको करना है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन क्यू, और ये आ जाएगा हमारे पास t की पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन और प्लस c हो जाएगा, तो ये हमारे पास वन अपॉन
ये वन अपॉन क्यू हो जाएगा, टी का जो हमने माना था वो रख लेंगे, तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स की पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, और प्लस कॉन्स्टेंट सी, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब आप लोग आंसर मिलाइएगा, जो भी हो आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादा क्योंकि घात में एम प्लस वन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं, तो सोल्यूशन की तरफ निगाह मार लें, हम लोग तुरंत मानेंगे लेट, इसको मानने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इसको मानने से कोई फायदा नहीं, इसको मान लेंगे तो हम लोग क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे और हम लोग का क्वेश्चन फंस जाएगा वहां पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स को मान लेते हैं, इसको मानेंगे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर हमारे पास टी हो गया, ठीक है। जब हम इसका अवकलन करेंगे, देखिए जब इसका हम अवकलन करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होगा, जाके देखते जाना, माइनस टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और क्या होगा, डीएक्स बराबर डीटी हो जाएगा, ठीक है। अब हमको तो ये तो चाहिए ना, ये हमको के लिए चाहिए, ये भी मिल जाए तो हमारा सलूशन आराम से हो जाएगा, तो माइनस टू को उधर भेज दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर माइनस का वन बाई टू और क्या हो जाएगा, डीटी हो जाएगा। सब कुछ हो गया है, दो मान हमको चाहिए थे, दोनों मान हमको मिल गए हैं, एक मान ये मिल गया है, एक मान हमारे पास ये आ गया है, दोनों मान मिल गए हैं, बस अब करना क्या है, उठा के रख देना है। तो हम लोग रखते हैं, तो ये हमारे पास माइनस का वन बाई टू को मैं बाहर निकाले ले रहा हूँ, समाकलन लगा ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर टी माना था, तो ये हमारे पास अंडर रूट का टी आ गया और डी टी आ गया, ये तो अपने पास यही था, इसके बाद हमारे पास माइनस वन अपॉन टू डी टी था, तो माइनस वन अपॉन टू को बाहर डी टी यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब क्या इसका आप लोग समाकलन नहीं कर पाएंगे, भाई ना कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, माइनस वन बाई टू हो जाएगा और समाकलन ये हो जाएगा टी की पावर वन बाई टू और डी टी हो जाएगा, ये माइनस वन बाई टू हो जाएगा। अब इसका जब समाकलन करोगे तो टी की पावर थ्री बाई टू होगा अपॉन थ्री बाई टू होगा प्लस कॉन्स्टेंट सी होगा। कई बार मैं इसका समाकलन करके बता चुका हूँ, आप लोग स्वयं करिएगा कैसे होगा, फार्मूला समझिएगा कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि बार बार नहीं बताएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा तीन दूना छः, तो माइनस का टू अपॉन सिक्स हो जाएगा और टी की पावर थ्री बाई टू हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। अब देखिए टी बराबर हम लोग माने हुए हैं, तो इसको कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का वन अपॉन थ्री आ जाएगा और ये आ जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स की पावर थ्री बाई टू हो जाएगा प्लस का कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, यही आपका आंसर। बच्चों आपका ये चैप्टर मैंने आपका पूरा खत्म कर दिया, अब जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आप लोग स्वयं लगाइए, क्योंकि बहुत तीन दिन चार चार एक ही चैप्टर के तीन दिन चार चार क्लास लेनी पड़ती है, तो ज्यादा नहीं बनाए उसे है, पूरे हैं आपके 28वां 29वां, इसके बाद जो ऑप्शनल दिए हो वो आप लोग स्वयं लगाइएगा, अगली जो क्लास चलेगी आपकी 3.1 की चलेगी, तब तक आप लोग लगाइए।